मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक इन माय एफक्यू इंस्टीट्यूट। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है, पहला मेरा लेक्चर था जो कि था व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या है उसके बारे में मैंने आपको डिटेल बताया। आज का जो मेरा सेकंड लेक्चर है वो है पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों पढ़नी चाहिए हमें अकाउंटिंग, ठीक है, या जिसे कहते हैं क्यों पढ़ाई जाती है अकाउंटिंग। ठीक है, सो हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट, बिजनेसमैन वांट्स टू अर्न प्रॉफिट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, देयरफॉर ही शी हैज टू रिकॉर्ड बिजनेस डिसीजन ऑन डेली बेसिस। अब देखिए, हमारे पास जो भी बिजनेसमैन है उसका मकसद एक ही है, ठीक है, तमाम बिजनेसमैन बेसिकली बिजनेस की डेफिनेशन ही यही है कि आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आप मुनाफा कमाओ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द बिजनेस। अब यहां पर भी हमारे पास यही है कि आपको जो बिजनेसमैन है वो बिजनेसमैन का ताल्लुक है किससे, सिर्फ प्रॉफिट से, कि वो चाहता है प्रॉफिट जिसे कहते हैं वो कमाए किसी तरीके से। अब होना क्या है कि जब वो प्रॉफिट के लिए कमाता है तो जब तक जिसे कहते हैं वो डेली बेसिस पे रिकॉर्डिंग नहीं करेगा, ठीक है, डेली बेसिस के ऊपर, तो वो डिसीजन कैसे लेगा। आज की चीज अगर आप एक हफ्ते के बाद रिकॉर्ड करने जा रहे हो या आज आपको जरूरत है, ठीक है, जैसे अगर सपोज किसी बिजनेसमैन का अब जिसे कहते हैं गारमेंट्स का ताल्लुक है और उसको कोल्ड जिसे कहते हैं सर्दियों की अब कोल्डनेस बढ़ रही है, सर्दियां जिसे कहते हैं आ रही है, अब वो माल जो है वो सर्दियों के बाद अगर ऑर्डर दे रहा है उसको जरूरत जिसे कहते हैं अभी है, माल बाद में आ रहा है, तो फिर फायदा क्या है ऐसे बिजनेस का। तो जो भी बिजनेसमैन है उसको डेली बेसिस पे जिसे कहते हैं सारी चीजें अपडेट होनी चाहिए ताकि उसको पता चले कि जिसे कहते हैं वो कैसे डिसीजन लेना है। उसके पास चीजें जिसे कहते हैं खत्म हो गई हैं तो वो डेफिनेटली ऑर्डर देगा कि भाई मेरे पास माल भेजा जाए। लेकिन अगर उसको जिसे कहते हैं पता ही नहीं है कि उसके पास जिसे कहते हैं कितने माल रह गया वापस, तो वो कैसे डिसीजन लेगा। सो कोई भी जो बिजनेसमैन है वो हमेशा अपने पास डेली रिकॉर्डिंग रखता है, डेली बेस पे रिकॉर्डिंग रखता है, क्यों, ताकि उसके पास डिसीजन आ सके। जरा सा भी एक दिन के भी डिले से जो है वो डेफिनेटली आपने जो ऑर्डर देना है उसने तीन दिन के बाद आना हो, बीच में अगर संडे आ जाए तो फिर। सो ये सारी चीजें। सो नेक्स्ट क्या है, बिजनेस कैन ओनली टेक डिसीजन व्हेन बिजनेस इवेंट्स आर टाइमली रिकॉर्डेड। ये बहुत जरूरी है कि बिजनेसमैन को टाइमली रिकॉर्डेड करना बहुत जरूरी है। आज अगर माल खरीदा है तो आज का आज ही रिकॉर्ड करना है, एक हफ्ते के बाद रिकॉर्ड नहीं करना। ऑनर्स कंसर्न अबाउट रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपने अकाउंट्स को अपडेट नहीं करते तो आपने अगर किसी कस्टमर से रिसीवेबल करना है, यानी रिसीवेबल से मतलब होता है, फर्दर हम आगे जब स्टडी करेंगे तो हम रिसीवेबल को भी डिटेल में पढ़ेंगे, तो अगर आपने जिसे कहते हैं रिसीवेबल है, रिसीवेबल से मतलब है जहां से आपने पैसे वापस लेने हैं, तो अगर कहीं से आपने पैसे वापस लेने हैं और आपने अपने पास चीजों को मेंटेन नहीं करा तो कैसे पता चलेगा किससे कितने पैसे आपने लेने हैं। सेम इसी तरीके से पेमेंट टू सप्लायर, जहां से आपने माल खरीदा है उसको कितनी पेमेंट करनी है कैसे पता चलेगा, जब तक आपने रिकॉर्डिंग ही नहीं करी होगी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, रिकंसिलिएशन ऑफ बैंक अकाउंट। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने कोई बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए, बैंक से पैसे आपने विड्रॉ करवाए हैं, ठीक है, तो बैंक रिकंसिलिएशन से मतलब है कि आपके जिसे कहते हैं कंपनी का बिजनेस का अकाउंट और आपके बैंक में जो अकाउंट है वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम, क्योंकि हर बिजनेसमैन रिकॉर्ड कर रहा होता है कि मैंने कितने पैसे विड्रॉ करवाए, कितने पैसे मैंने डिपॉजिट करवाए, तो ये चीजें भी हमारे लिए बहुत काम है। ये सारी चीजें हमें अकाउंटिंग अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कोई भी चीज जिसे कहते हैं वो अपनी एक्यूरेसी पे नहीं होगी। सेकेंड लास्ट पॉइंट है, बिजनेसमैन वुड ऑल्सो लाइक टू नो पोजीशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक्स इन गोडाउन। अब ये भी है कि भाई वही बात कि अगर आपको यही नहीं पता चला कि आपके माल कितना जिसे कहते हैं आखिर रह गया है तो अब इससे सूरत में करेंगे क्या। अब हमारे यही नहीं पता, आपने और माल मंगवा लिया, अभी अब जो हमारे पास करंट है उसको तो आपने बेचा ही नहीं है, तो माल तो आप तभी जिसे कहते हैं ना मंगवाएंगे जब वो खत्म हो जाएगा। अब जैसे हमारे पास फ्रूट्स की बात कर लें या सब्जियों की बात करें, ये तो हमारे पास डेली टू डेली चलते हैं, अभी हमारे पास जो पहले वाले हैं वो चीज़ें बिकी नहीं है, अगर आपने और माल मंगवा लिया तो फिर वो जिसे कहते हैं खराब होने के चांसेस होते हैं। तो ये भी चीज़ें जिसे कहते हैं, इसीलिए कहते हैं अकाउंट्स को डे बाय डे डेली रिकॉर्ड होता है। लास्ट पॉइंट है, अपडेट अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड बाय बैंक्स टू सैंक्शन लोन फॉर द बिजनेस। अब यही
हमारे पास जो सैंक्शंस वगैरह होते हैं, लोन्स वगैरह अगर आपको चाहिए होते हैं, ठीक है, सो उस सूरत में भी आपके अगर अकाउंट्स अपडेट नहीं हैं तो फिर आप अपने अकाउंट्स यानी अपने आप बिजनेस की जो पोजीशन है वो ही नहीं पता चल रही, तो हम अब कैसे अप्लाई कर सकते हैं या हम लोन के लिए बिजनेस जो लोन के सेक्शन है वो कैसे जैसे कहते हैं क्लियर हो सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट होप्सो के आपको मतलब समझ आया होगा पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, हम अकाउंटिंग क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मोस्टली जो होती हैं वो हमारे पास सारी क्या है बिजनेस से रिलेटेड भी है, और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन मैंने क्या करा है जरा थोड़े मेन जो पॉइंट्स हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने अकाउंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया। होप्सो स्टूडेंट के आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, मेरे इस लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ मेरा लेक्चर शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।